गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। पहले हम लोग पुरानी बुक से पढ़ रहे थे साइंस में, ठीक है। अब हम लोग के पास नई बुक आ गई है, तो इसलिए अब हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, प्लांट्स अराउंड अस। बुक पहले देख लीजिए आप लोग। तो आज फर्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, प्लांट्स अराउंड अस, हमारे आसपास के पेड़ पौधे, ठीक है। देयर आर मेनी प्लांट्स अराउंड अस, ये हम लोग के आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है। प्लांट्स वेरी इन शेप एंड साइज, ये बहुत अलग अलग शेप और अलग अलग साइज के होते हैं, जो आपको पिक्चर में दिखाई पड़ता है ना। Some plants are big and tall, while others are small and do not grow tall. ये कुछ प्लांट्स जो होते हैं बड़े होते हैं और लंबे होते हैं, जबकि कुछ प्लांट्स छोटे होते हैं और वो ग्रो नहीं कर पाते हैं, इसके लिए वो छोटे रह जाते हैं, ठीक है। Most plants are green in color, अधिकतर प्लांट्स का कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है। क्या होता है, ग्रीन होता है, अधिकतर प्लांट्स का कलर ग्रीन ही होता है, ठीक है। तो मोस्ट प्लांट्स आर ग्रीन इन कलर। सबसे पहले ट्रीज क्या है, ट्रीज, बिग एंड टॉल प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज, ये बड़े और लंबे प्लांट्स जो होते हैं उसको क्या कहते हैं, ट्रीज कहते हैं। ए ट्री हैज ए हार्ड वुडी स्टेम कॉल्ड द ट्रंक, ट्री जो होता है, ट्री के पास, ट्री का स्टेम जो होता है उडी, वो हार्ड होता है, क्या होता है, हार्ड होता है, उसका स्टेम जो होता है वो लकड़ी का होता है, वो हार्ड होता है, तो उसको क्या कहते हैं, ट्रंक कहते हैं। ए ट्री हैज ए हार्ड उडी स्टेम कॉल्ड द ट्रंक ऑफ मेनी ट्रीज डिवाइड टू फ्रॉम ब्रांचेज, ये ट्रंक जो होते हैं बहुत सारे ब्रांच में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है, बहुत सारे इसके शाखा होते हैं, अलग 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 तरह से वो डिवाइड हो जाता है। ब्रांचेज बियर लीव्स फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, ये ब्रांचेज क्या देता है, लीव्स फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, ठीक है। दे आर होम टू ए नंबर ऑफ स्मॉल एनिमल्स सच एज स्क्वायरल बर्ड्स एंड इंसेक्ट, ये जो पेड़ जो होते हैं उस पे क्या करते हैं, छोटे छोटे जानवर सब जो होते हैं अपना घर बना के रहते हैं, अपना घोंसला बना के रहते हैं, जैसे स्क्वायरल हुआ, बर्ड्स हुआ, इंसेक्ट हुआ, बहुत सारे हैं, छोटे छोटे जानवर सब भी हैं, इंसेक्ट भी है, वो क्या करते हैं, ये ट्री पे क्या करते हैं, अपना घर बना के रहते हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रीज विथ ब्रांचेज आर मैंगो, नीम एंड बनियान, इसमें देखिए पिक्चर में दिखाई पड़ रहा है, ये मैंगो का ट्री है, ठीक है, और ये नीम ट्री है, ये बनियान ट्री है, ठीक है। बनियान मीन्स क्या होता है, बरगद, बरगद का पेड़ है ये, ठीक है। श्रब्स, श्रब्स आर स्मॉल बूसी प्लांट्स, ये श्रब्स जो होते हैं वो छोटे छोटे झाड़ी वाला पौधा होता है। दे हैव मेनी थिन ब्राउन स्टेम, ये जो होता है बहुत पतला होता है और इसका स्टेम ब्राउन होता है। द ब्रांचेज एराइज फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, इसका स्टेम से, स्टेम का बेस जो होता है उससे ब्रांचेज निकलता है, ठीक है। क्लोज टू द ग्राउंड, ये जमीन के नजदीक होता है, पास होता है, क्या होता है, इसके स्टेम से, स्टेम का जो बेस है उससे ब्रांच निकलता है जो कि जमीन के पास होता है। रोज कॉटन एंड हिबिस्कस प्लांट्स एंड श्रब्स, ये रोज कॉटन एंड हिबिस्कस, हिबिस्कस मीन्स अरहुल का पौधा जो होता है वो क्या होता है, वो इस तरह का प्लांट्स क्या कहलाता है, श्रब्स कहलाता है। देखिए रोज प्लांट्स है, इसको क्या कहेंगे, श्रब्स कहेंगे, कॉटन प्लांट्स है, हिबिस्कस है, ये सब क्या है, श्रब्स है, ठीक है। अब हर्ब्स, हर्ब्स आर वेरी स्मॉल प्लांट्स विथ सॉफ्ट ग्रीन स्टेम, ये हर्ब्स जो होता है वो बहुत छोटा पौधा होता है जो इसका स्टेम जो होता है वो ग्रीन होता है और ये सॉफ्ट होता है, क्या होता है, सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ हर्ब्स एंड स्पाइनच, मिंट, तुलसी एंड कोरिएंडर,
ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे स्पाइनच, स्पाइनच मीन्स पालक, पालक का जो होता है ना वो पालक साग होता है वो स्पाइनच, स्पाइनच मिंट, कोरिएंडर और तुलसी का पौधा जो होता है ये सब क्या है, इसको क्या कहते हैं, हर्ब्स कहते हैं। ठीक है, तो ये छोटे छोटे पौधे जो है वो हर्ब्स कहलाते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इतना पढ़ेंगे, फिर कल हम लोग आप लोग को क्लाइंबर्स, क्लाइंबर्स के बारे में समझाएंगे और बहुत सारी चीजें हैं उसके बारे में हम लोग आप लोग को समझाएंगे। इसको फिर से आप लोग बुक देख लीजिए, इसको फिर से पढ़िएगा दोबारा से। ठीक है, और इसके कुछ वर्ड्स हैं, इसको आप लोग नोटबुक पर लिख के फिर इसको लर्न करिएगा।